हेलो गाइस, वेलकम टू क्रैकेम यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, टुडे विल डिस्कस डेली करंट अफेयर एमसीक्यू ऑफ 30th अक्टूबर। तो फ्रेंड्स, जदि आपमनको आप करंट अफेयर सीरीज भल लागुछि तले निश्चित भाबे वीडियो को लाइक करंतु, शेयर करंतु, जदि चैनल नुवा तले निश्चित भाबे सब्सक्राइब करंतु। तो चलन देखिबा आजर कोन सब क्वेश्चंस रहिछि। तो एटा थिला कालर क्वेश्चन, द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय व्हिच एक्ट। तो जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थिला एटा गवर्नर थिला, तापर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हला, तार फाइनली जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हला, एटा को एक्ट अनुसार हेछि। तो मन रखिए, बहुत इंपोर्टेंट एटा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833 बाय एटा को कहो छि चार्टर एक्ट 1833 मध्ये को आउ छि चार्टर एक्ट 1833। तो ए एक्ट अनुसार कहै छि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो पोस्ट आइ छि, अर्थात जो गवर्नर जनरल बंगाल थिला सेटा इंडिया हेला। तो इंडिया जी सब गवर्नर थी अलग अलग सब माड्रेस बॉम्बे प्रेसिडेंस में से सब जगह उठेगा। आ इंडिया फास्ट जो गवर्नर जनरल किए थे लॉर्ड विलियम बेंटिक थे इंडिया फास्ट गवर्नर जनरल। आउ 1833 आक्ट थी आमस आरोप कही ना यहाँ क्वेश्चन गोटे जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो चाइना सहित ट्रेड थिला सेटा मध्ये बंद होता चाइना सहित ईस्ट इंडिया ट्रेड सब जो ट्रेड करूला बिजनेस करूला से सब बंद होता। आउ गोटे कौन ना इंडियन लॉ कमिशन गोटे एस्टाब्लीश होता इंडियन लॉ कमिशन। तो जो मन रखिए, बहुत इंपोर्टेंट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एम्स में एक जंग लड़ते हुए। एम्स में एक जंग लड़ते हुए ये लिखी आमर रमेश पोखरियाल जे कि आम थे से समय जे एजुकेशन मुख्यतः मिनिस्टर थे रमेश पोखरियाल निशांक, मिनिस्टर वर्तमान तो नहांती। तो सी जो तर मुख्य कोरोना ही से समय से एम्स रे थे। तो एम्स मेडिकल केपरी से जो कोरोना सहित लड़की आसिले ताऊपर बहीटा लिखिं और रिसेंटली ये बहीटा को पीएम मोदी को हैंड ओवर कर मानते पीएम मोदी को ये बहीटा को गिफ्ट आकार में देखते आटा मन ये पब्लीश किए कर प्रभात प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड बहीटा को पब्लीश कर सेमती मन रखिए। सुधामूर्ति रिसेंटली गोटे बुक लॉन्च करते लिखी थे हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी यू लिखी थे किए सुधामूर्ति। सेमती मनन भट्ट मध्य जो आम कौन ना बालाकोट एयर स्ट्राइक जो होता बालाकोट एयर स्ट्राइक तो ताऊपर बहीटा लिखिंट बालाकोट एयर स्ट्राइक किए लिखिंट मनन भट्ट। हुई ऑर्गेनाइजेशन हेज बी अवार्डेड इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020। तो इंडिया ग्रीन एनर्जी जो अवार्ड ए रिसेंटली टीवीएस मोटर कंपनी को यहाँ दिखाई कारण टीवीएस जो मोटर कंपनी अच्छे ये माने ग्रीन एनर्जी क्षेत्र में बहुत ही भल कम कर अवार्डटा दिखाई आटा को जो अवार्डटा यहाँ हूँ एथर थर्ड एडिशन यहाँ आउटस्टैंडिंग रिन्यूएबल एनर्जी यूजर बोले कह आउटस्टैंडिंग रिन्यूएबल एनर्जी यूजर। तो यहाँ थर्ड एडिशन जहाँ आपको अवार्डटा दिहाँ अवार्डटा दे किए इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी जो अच्छे सी ए अवार्डटा को दौर। आउ मन रखिए, जो अवार्डटा को प्रेजेंट किए कले आम रोड एंड हाइवे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ए अवार्डटा को मैंने टीवीएस जो मोटर कंपनी को देले। टीवीएस मोटर कंपनी अच्छी कौटे चेन्नई रे अच्छी आर सीईओ अच्छा वर्तमान ना हो के एन राधाकृष्णन हो चेयरमैन सीईओ सर सीईओ। आ पावर ग्रिड मत मन रखी थे रिसेंटली एटीडी अवार्ड मिलता एटीडी बेस्ट अवार्ड 2021 एटीडी बेस्ट अवार्ड 2021 आ मिलता पावर ग्रिड जो अच्छे से ताको मिलता एटीडी अवार्ड और मत इम्पोर्टेंट मन रखिए। आईडा गोटे मन रखिए जिल अल्बेना एसोसिएशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट तो ये गोटे ह्यूमानिटेरियान अर्गानाइजेसन लोक कम करोटा कि येमेन कंट्री येमेन कंट्री गोटे ह्यूमानिटेरियान अर्गानाइजेसन आपको एवं मिली यूएनएचसीआर नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड
बहुत ही इम्पोर्टाट आवार्ड टाइम मिले क्या यमेन रो ह्यूमानिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन रो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया एट ग्लोबल क्लाइमेट टेस्ट टेक इन्वेस्टमेंट। तो ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट अर्थात जो क्लाइमेट जो मैंने बदलुच्छे जो तो अनुसार क्लाइमेट को जो क्लाइमेट खराब हो दूर करने मुख्यतः जो रिन्यूएबल एनर्जी रे इन्वेस्टमेंट जो हो अनुसार जो रैंकिंगटा कढ़ाई अरे टॉप 10 रैंकिंग कढ़ाई तारी इंडिया रैंक हो 9th। तो जो ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट जो से जो टेक्नोलॉजी हो बा से जो एनर्जी जो डिफरेंट टाइप एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी कराऊ तारी के इनभेस्ट से हिसाब से बाहर था तो तारी इंडिया अच्छी 9th नंबर में सबुठ अधिक यूएसए रही यूएसए सब अधिक इनभेस्ट 48 बिलियन 48 बिलियन डॉलर आउ चाइनारे सेकेंड रही जा रही 18.6 बिलियन डॉलर आउ इंडिया जो 9th रैंक अच्छे आर टोटल इनभेस्ट 1 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट यहाँ 2016 आरंभ कर 21 पर्यंत कहुई पांच वर्ष कारण 2016 प्यारिस एग्रीमेंट आरंभ होता 2016 पांच वर्ष किए के मैं क्लाइमेट उपर काम कर तार इन्वेस्टमेंट उपर तो सीटा को लेकिन रिपोर्टा काढ़ाई था यहाँ काढ़ी किए तो यहाँ को लंडन संस्था अच्छे गोटे लंडन एंड पार्टनर्स एंड कॉर्पोरेशन गोटे संस्था अच्छे सीटा को काढ़ी आ समी रिसेंटली मन रखिए आरुक इंजीन कह ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम गोटे इंडेक्स बाहर था स्टार्टअप जो होने की जो बाहर था तारी इंडिया रैंक था 20 और ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 71 फूड सिक्योरिटी इंडेक्स जस्टिफिकेशन जो कौन रूल ऑफ लॉ इंडेक्स रिसेंटली बाहर था रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जो बाहर था तारी इंडिया रैंक था 79। Who will be the chairman of the committee constituted by Supreme Court to look into unauthorized surveillance using Pegasus? तो प्रथम तो ये जानते Pegasus कौन Pegasus हूँ इज्राएल गोटे स्पाइवेयर टा इज्राएल इज्राएल कंट्री गोटे कौन स्पाइवेयर गोटे आपटा गोटे यहाँ जी मैक्सिमम जो आम एंड्रॉइड मोबाइल अच्छे तरह से व्यवहार होटा मुख्यतः तो सिक्योरिटी पर्पज रे व्यवहार किंतु यार बहुत मानने सब कम्प्लेन आसे कौन कर लोक जो पर्सनाल इनफर्मेसन जी आम कह मेसेज पर्सनाल कंटाक्ट नंबर जितकी सब गुगुल सेव से सब जगह ये नहीं जाऊँगी तो से जो कम्प्लेन चलती से जगह देखापे गोटे कमिटी गठन होती 3 मेम्बर विशिष्ट कमिटीटा तार हेड किए कर जस्टिस मन रखिए आर बी रवींद्रन यार चेयरमैन अच्छा ये कमिटी सहित अंकल जो अच्छा नवीन कुमार चौधरी प्रभा हरन पी अश्विन अनिल कुमास्ते आंके सब आउ ये जो कमिटी अन्यान्य सब मेम्बर अच्छा तो यहाँ किए कर सुप्रीमकोर्ट कर पेगासस जो आपटा बा स्पाइवेयरटा अच्छे तापर करने चेयरमैन अच्छा आर बी रवींद्रन। Which became the first state to pass its own wildlife action plan? तो बहुत इम्पोर्टाट क्वेश्चन यहाँ रहा फर्स्ट स्टेट है जे कि वाइल्ड लाइफ आक्शन प्लां कर तो यहाँ है कि महाराष्ट्र महाराष्ट्र हूँ फर्स्ट स्टेट जे कि वाइल्ड लाइफ आक्शन प्लां जो कि 2021-30 पर्यटन चलो तो यहाँ कौन स्टेट को फर्स्ट स्टेट वाइल्ड लाइफ आक्शन प्लां महाराष्ट्र आरंभ कर आटा मुख्यतः दुटा पे आरंभ कर गोटे कौन ना क्लाइमेट चेंज अडाप्शन हम से जो आम तो मुख्यतः जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी जो जाक क्लाइमेट अनुसार जो चेंज हो तो बदलू थ क्लाइमेट अनुसार से जगह प्रोटेक्शन दिहब आगे डाइजेस्टर रिक्स रिडक्शन जो डाइजेस्ट जो कौन सी हेले जो बेस क्षय क्षति हो मुख्यतः एनिमल मानक तो ताऊपर गुरुत्व दिहब कि कम कम करने जिनके किसी क्षति हेनी रिस्क हेनी किसी आ किसी दिन तेज़ महाराष्ट्र नागपुर में आईला इंडिया फास्ट वाइल्ड लाइफ डीएनए टेस्टिंग लैब होता डीएनए टेस्टिंग एनालिसिस लैबोरेटरी यहाँ फास्ट कौन स्टेट करियर यहाँ कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट तो पूर्व करोसी स्टेट करियर यहाँ लैबोरेटरी फास्ट जोटा कि महाराष्ट्र नागपुर होता आ सहित जो वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान अच्छे मन रखिए गोटे तड़ौवा टाइगर रिजर्व अच्छे महाराष्ट्र में
तड़ौवा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र अच्छी चंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट विदर्भ रीजन रे महाराष्ट्र चंद्रपुर तार जो डिस्ट्रिक्ट अच्छी विदर्भ रीजन रे सेटा अच्छी एटा एक्सपांड करा बोली कहि ए प्लान अनुसार तो महाराष्ट्र सीएम होती उद्धव ठाकरे गवर्नर होती भगत सिंह कोश्यारी। हु इज द चेयरमैन ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू पीएम रिकॉन्स्टिट्यूटेड रिसेंटली तो जो पीएम प्रति जो मैंने कई जन सब सेक्रेटरी भी था इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल रे तो सेटा को बहुत टिक रिकॉन्स्टिट्यूट कराला किसी मिसाला हार कराला तो रिकॉन्स्टिट्यूट कराला तो तार बर्तमान चेयरमैन किए अच्छा तो मन रखिए तार चेयरमैन होती विवेक देवराय विवेक देवराय चेयरमैन आज इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल अच्छे यार सात जन मेम्बर अच्छे टोटाल सात जन जहाँ लिस्टेड दिखाई विवेक देवराय होती चेयरमैन राकेश मोहन पूनम गुप्ता टीटी राममोहन साजिद चेन्नई नीलकंठ मिश्र नीलेश शाह तो ये सात जन होती इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल मेम्बर अच्छा आउ गोटे मन रखिए गोटे स्टेट इकोनॉमिक एडवाइजरी जो काउंसिल अच्छी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल तो ये जो कौन सी स्टेट यूक से स्टेट्र नाम कौन तो सी हूँ तमिलनाडु तमिलनाडु जो नुआ गवर्नमेंट आसा एम के स्टालिन गवर्नमेंट तो सी कौन आसा आसला पर गोटे इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल गोटे याला जैसे कि आम रघुराम राजन पूर्वतन जो आरबीआई रे गवर्नर सी अच्छा तो सीटा बहुत इंपोर्टेंट रे मन रखी तमिलनाडु गोटे इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू सीएम सी गोटे गठन कर तमिलनाडु। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स जे मिनिस्टर एंड व्हिच टेक जायंट टाइड अप टू लॉन्च एन ऐप अप स्केल एकेडमी प्रोग्राम तो अप स्केल एकेडमी गोटे प्रोग्राम गोटे लॉन्च होती है जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ आईटी अच्छी इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सी क्या सहित एग्रीमेंट कर मन रखिए गूगल सहित कही तो गूगल आमर जो इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्टर अच्छा से मैंने कौन कर टाइड अप होती अप स्केल एकेडमी प्रोग्राम पे यहाँ द्वारा हम कौन ना जितकी भी सब स्मॉल बा मिड रेंज रो स्टार्टअप कंपनी अच्छा इंडिया रे तो से बूस्ट मिले मिड रेंज रो स्टार्टअप अच्छा मिड रेंज रो स्टार्टअप कंपनी जगह तो से जगह हेल्प कराब मानने बढ़िया आग को आटा को डिसेम्बर 15, 2021 आरंभ कर प्रोग्रामा को 100 डिफरेंट स्टार्टअप ये सिलेक्ट कर गूगल तो जानती कैलिफोर्निया अच्छे यार सी हूँ सुंदर पिचाई आउ आमर नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली व्हिच कोस्ट गार्ड शिप कमिशनर एट गोवा तो क्यों कोस्ट गार्ड शिप को रिसेंटली गोवा रे कमिशन कराई तो आरंभ कराई तो सी है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सार्थक ICGS सार्थक को एवं गोवा रे एटा को लॉन्च कराई एटा को गोवा रे जो कमिशन कराई आरंभ कराला एटा को किए कर तो कोस्ट गार्ड रे डायरेक्टर जनरल अच्छा के नटराजन एटा को कमिशन करोटे गोवा रे कर बेस जो अच्छी कौट अच्छी तो पोरबंदर गुजरात अच्छे जो बेस है थिला पोरबंदर गुजरात रे मन रखी या मैं किए कर गोवा सीफेयर लिमिटेड या गोवा रे ही कमिशन कराई ICGS सार्थक को आउ एटा हूँ 105 मीटर लंग एटा 105 मीटर लंग आ 2,485 टन रही ओजन क्यारि करमें मन रखिए इंडियन कोस्ट गार्ड जो वज्र अच्छी यहाँ को किसी दिन तेज़ जो CDS चीफ ऑफ डिफेंस बिपिन रावत यू कमिशन करते चेन्नई पोर्ट रे तुतिकन जो चेन्नई पोर्ट रे आ सेमती इंडियन कोस्ट गार्ड जो सजाग अच्छी यहाँ गोवा सीपीआर लिमिटेड या आटा को लॉन्च करते अजित डोभाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल एटा को लॉन्च करते हैज बीन अपॉइंटेड एज द MDCEO ऑफ जेके बैंक जम्मू काश्मीर जो बैंक अच्छे तार MDCEO भाव क्या अपॉइंट कराई तो मन रखिए यहाँ अपॉइंट कराई क्या बलदेव प्रकाश को बलदेव प्रकाश है MDCEO ऑफ जम्मू काश्मीर बैंक जोटा जम्मू अच्छी जम्मू काश्मीर जम्मू में अच्छी वर्तमान जो चेयरमैन अच्छा राजेश कुमार छिबर अच्छा कि नुआर जो अपॉइंट है सी होती बलदेव
प्रकाश जम्मू काश्मीर बैंक एमडीसीओ। प्रदीप कुमार पंजा ये होंगे कर्नाटक बैंक चेयरमैन रिसेंटली अपॉइंट होते कर्नाटक बैंक चेयरमैन। आ रजनीश कुमार यहाँ इंपोर्टेंट रखिए मन रखिए ये जो पूर्वतन आम एसबीआई चेयरमैन थे स्टेट बैंक आमको भारत पे तो जानते हैं चार चलती तो भारत पे चेयरमैन भाव आपको अपॉइंट कर रजनीश कुमार को। व्हिच डे सेलिब्रेटेड इज इंटरनेशनल इंटरनेट डे। तो इंटरनेशनल इंटरनेट डे सेलिब्रेट होती अक्टोबर 29 रे। आटा कौन सेलेक्ट करा ना जो फर्स्ट टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक मेसेज जो पठाई थी कंप्यूटर साहय से 1969 अक्टोबर 29 तेणु से दिनटा को आम इंटरनेशनल इंटरनेट डे रूप सेलिब्रेट करा से समय जो इंटरनेट था अर्पानेट ना जनावला से अर्पानेट फुल फॉर्म मन रखु एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क हूँ अर्पानेट। तो यहाँ अच्छे आपण मैंने क्वेश्चन आज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 जो बाहर था तो यार इंडिया रैंक केते अच्छी कमेंट सेक्शन में निश्चित भाव जनातु। तो फ्रेंड्स आज ये पुणी देखा आगामी भिडियो जब भिडियो भल लगे तो निश्चित भाव लाइक शेयर और सब्सक्राइब करूँ।